फ्रेंड्स में। मैं सुहानी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल बिपिन एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं सुपर टेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुकी हूँ, तो जिस फ्रेंड्स ने अभी तक नहीं देखे हैं वो जाकर देख लीजिए। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 6। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 6। सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। राजस्थान समाज के आगे मैं इसलिए नतमस्तक हूँ कि उसने ओरण की व्यवस्था सैकड़ों वर्ष पहले निकाली। ओरण यानी एक ऐसा जंगल जो केवल अकाल के समय में खुलेगा। इसका मतलब एक ऐसा कुआं जो केवल आग लगने पर उसे बुझाने के काम आए। इसका मतलब उसको पीने के लिए या नहाने के लिए प्रयोग में नहीं लाना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नतमस्तक में समास है, तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास या ऑप्शन डी द्वंद्व समास। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा ए तत्पुरुष समास। नतमस्तक में तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि नतमस्तक से अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, मस्तक से नत, यानी नत से मतलब होता है झुका हुआ, तो इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश की पंक्तियों को पढ़कर हमें आंसर लगाना है। तो चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं। एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिल मिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद की, दर्शनीय था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमान था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला किया सदा दुधार पर, जो चला किया सदा दुधार पर। तो ये पंक्तियाँ थी हमारी काव्यांश की। अब क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, हवा क्यों तिलमिला रही है, तो क्यों तिलमिला रही है, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, दिए के जलने से, दिए के स्नेह से, या दिए के निरंतर जलने से, या ऑप्शन डी अंधकार होने से। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा। इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा दिए के निरंतर जलने से, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हरिराई उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है, तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा सी रूपक अलंकार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार इसमें सही होगा, क्योंकि रूपक अलंकार में क्या होता है, क्या होता है इसमें, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 4 नंबर का, लघुर्मी में कौन सी संधि है, बताइए फ्रेंड्स कौन सी संधि है इसमें लघुर्मी में। अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या यण स्वर संधि। तो बताइए फ्रेंड्स कौन सी इसमें ऑप्शन राइट होगा। इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ स्वर संधि। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें राइट होगा ऑप्शन नंबर बी दीर्घ स्वर संधि है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। उपर्युक्त में छंद है, कौन सा छंद है इन पंक्तियों में बताना है हमें फ्रेंड्स।
दोहा छंद है या सोलठा छंद है या चौपाई छंद है या रोला छंद है। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा सही होगा ऑप्शन, बताइए। इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, सोलठा, सोलठा होगा इसमें फ्रेंड्स। तो सोलठा में क्या होता है, सोलठा ये कैसा, ये अर्ध सममात्रिक छंद होता है और ये दोहे का उल्टा होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, इसमें ग्यारह, इसमें प्रथम और तृतीय चरण में ग्यारह ग्यारह और द्वितीय और चतुर्थ चरण में इसमें तेरह तेरह मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन राइट सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकंपित वर्ण है? तो फ्रेंड्स इसमें हमें प्रकंपित वर्ण बताना है, रा होगा, ला होगा या होगा या ऑप्शन डी वा होगा। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा राइट होगा हमारा ऑप्शन। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए रा, ये हमारा प्रकंपित वर्ण है। रा एक क्या है, प्रकंपित वर्ण है और इसे बोलने पर क्या होता है, जीवा में कंपन होता है और इसे लुंठित वर्ण भी कहते हैं, लुंठित ध्वनि भी इसे कहते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से, अटारी, अहिर, आँख या अखिल। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें हमारा तत्सम शब्द कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी अखिल होगा। इसमें अखिल जो शब्द है वो तत्सम है, बाकी सभी जैसे अटारी का क्या होता है, अट्टालिका होता है तत्सम, और अहिर का क्या होता है, आभीर होता है, आँख का क्या होता है, अच्छी होता है। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एट नंबर का, अनुरुक्त का विलोम शब्द है, अनुरुक्त का विलोम शब्द क्या होगा, आरक्त, विरक्त, निरक्त या आसक्त। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर बी विरक्त, अनुरुक्त का विलोम क्या होगा, विरक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन नंबर का, निम्न में से हाथी का पर्याय है, हाथी का हमें पर्यायवाची बताना है। तो फ्रेंड्स बताइए क्या होगा इसमें, कुरंग होगा या कुंजर होगा या कलहंस होगा या केहरी होगा। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा होगा इसमें ऑप्शन राइट। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा बी कुंजर, ये होता है हाथी का पर्यायवाची। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन नंबर का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर टेन है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है फ्रेंड्स, ठोकर लगते ही लड़का बेहोश हो गया, ऑप्शन बी विद्यार्थी पढ़ेंगे तो पास होंगे, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, अध्यापक बच्चों को प्रतिदिन हिंदी पढ़ाता है। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें हमारा कौन सा होगा पूर्वकालिक क्रिया का ऑप्शन राइट, बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम दूध पीकर घूमने जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, पहली क्रिया जो है उसने दूध पी लिया है, उसके बाद वो घूमने गया है, तो जो पहली क्रिया होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट 11 नंबर का क्वेश्चन है, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए देव, ऑप्शन बी नक्षत्र, सी ऑप्शन छात्र या डी ऑप्शन प्राण। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा जो हमेशा बहुवचन में यूज होता है। तो बताइए इसमें हमारा फ्रेंड होगा ऑप्शन नंबर डी प्राण, ये जो है वो हमेशा बहुवचन में यूज होता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन ए 7, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 9, डी ऑप्शन 10
तो कितने भेद होते हैं कारक के फ्रेंड्स? कारक के हमारे ऑप्शन कितने होते हैं? आठ होते हैं, आठ भेद होते हैं कारक के। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्ता कारक में क्या होता है विभक्ति, ने, कर्म कारक, को, करण कारक, से और के द्वारा, संप्रदान कारक, को के लिए, आपादान कारक, से यानी अलग होने के अर्थ में, संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ये आता है इसमें, अधिकरण कारक में क्या होता है, मे, पर, संबोधन कारक में हे, अजी, अहो इत्यादि ये शब्द आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे आठ कारक के भेद होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा सावधानी शब्द में प्रत्यय, बताइए फ्रेंड्स। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा बताइए फ्रेंड्स? इसमें हमारा ऑप्शन होगा सावधानी में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ई, क्योंकि इसमें जो मूल शब्द है वो हमारा कौन सा है सावधान, और जब हमने इसमें ई लगा दिया तो क्या हो गया सावधानी। तो इस प्रकार से हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, तत् प्लस संकर संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द है, इन दोनों को मतलब संधि करके कौन सा शब्द बनेगा? तो इसमें बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्संकर, ये हमारा तत् प्लस संकर को मिलाकर शब्द बनेगा संधि इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है, तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए त्रिभुवन, या ऑप्शन बी यथाशक्ति, या ऑप्शन सी एक दंत, या ऑप्शन डी नीलकंठ। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा त्रिभुवन, यानी इसमें क्या हो रहा है, इसमें संख्या का बोध हो रहा है, तो यानी जिसमें संख्या का बोध होता है उसमें क्या होता है द्विगु समास होता है, इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है, तो बताइए क्या होगा, पकड़ में ना आना, या बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना, या हाथ फैलाना। तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा राइट होगा ऑप्शन, इसमें हमारा राइट ऑप्शन होगा हाथ ना आना यानी पकड़ में ना आना, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा राइट होगा ऑप्शन, रामधारी सिंह दिनकर की इसमें से कौन सी रचना नहीं है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा स्वर्ण धूली, ये तो क्या है स्वर्ण धूली, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, स्वर्ण धूली ये किसकी रचना है, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, और बाकी की जो अन्य पंत जो इसमें रचनाएं हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपने विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, तो बताइए फ्रेंड्स कौन सा होता है जो अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, तो इसमें कौन सा होगा, कौन से शब्द होते हैं वो, सार्थक शब्द, योगऋण शब्द, ऋण शब्द, या यौगिक, तो बताइए फ्रेंड्स इसमें कौन सा राइट होगा ऑप्शन, इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा कौन से होते हैं वो, ये हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर बी योगऋण, जो योगऋण शब्द होते हैं वो क्या होते हैं विभाजन के पश्चात अन्य अर्थ में प्रचलित हो जाते हैं, जैसे जैसे हमने बोला कि जल, जलज, तो जल प्लस जा, जलज क्या होता है, यानी जलज से मतलब क्या होता है जो क्या होता है, जलज का अर्थ क्या होता है कमल,
तो इस प्रकार से जल में उत्पन्न होने वाला तो क्या होता है, वो कमल। इस प्रकार से हमारा ये तीसरे अर्थ की प्रधानता बताता है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, योग ऋण शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेपथ्य का अर्थ है रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों को का स्थान, कलाकारों का मेकअप रूम या वाद्य यंत्रों को रखने का स्थान, या रंगमंच के पीछे का स्थान। तो क्या होता है फ्रेंड्स इसमें बताइए। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा डी, रंगमंच के पीछे का स्थान को हम क्या कहते हैं, नेपथ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 20 नंबर का, तो करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी नहीं हुआ वो कहलाता है। ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी अनुपम या ऑप्शन डी अभूतपूर्व। तो बताइए फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन इसमें कौन सा राइट होगा, इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अभूतपूर्व। जबकि जिसकी कोई आशा ना की गई हो उसे क्या बोलते हैं, अप्रत्याशित। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस प्रकार से आज हमने क्वेश्चन सॉल्व किए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुपर टेट के हिंदी के। तो इसी प्रकार से अभी फ्रेंड्स मैं और भी हिंदी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, और आप लोग इसी प्रकार से हमारी वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।